यूपीएससी सिविल सेवाओं के लिए इस परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों युवा प्रतिष्ठान होते हैं। इस परीक्षा की एक लंबी प्रक्रिया होती है। बहुत कम ही छात्र हैं जो आईएएस अधिकारी बनने के करीब हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की एक कहानी होती है, ये अन्य लोगों को प्रेरणा देती है। ऐसी ही एक कहानी है वंदना मीना की, जिसके संघर्ष की कहानी से आप भी प्रभावित होंगे। बता दें कि शहनाज आज एक सफल आईएएस अधिकारी हैं। मीना वंदना मीना राजस्थान के रहने वाले हैं और समूह से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की है। आगे की पढ़ाई वंदना ने दिल्ली से की है। बता दें कि वंदना के पिता पुलिस में हैं और पिता की दिल्ली में पोस्टिंग होने के कारण उन्हें दिल्ली वाली सेंट कोलंबस स्कूल से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैथ्स और ऑनर्स में स्नातक किया। सिविल सर्विस में आने का था सपना। वंदना के परिवार में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल बना हुआ है। इस वजह से माता पिता के साथ वंदना खुद पढ़ लिख कर कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उनका सपना था कि आईएएस बनकर जन कल्याण हित में काम करने का मन था। उनकी इस सोच ने उन्हें आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया। जिस तैयारी के लिए एक शेड्यूल बनाया गया था, आईएएस अधिकारी बनने के लिए छात्र हर जोरदार पढ़ाई करता है, ठीक वैसे ही वंदना ने भी परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक पढ़ाई की थी। उन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाया था, जिसके हिसाब से वह अपना पढ़ाई प्लान करती थी। 331वीं रैंक के साथ बनी आईएएस अधिकारी वंदना एक साथ ही प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक पहुंचे। इंटरव्यू में कमाल करते हुए उन्होंने 331वीं रैंक के साथ परीक्षा पास कर ली थी। वंदना ने अपनी सफलता का मूल मंत्र सही रणनीति के साथ तैयारी करने को बताया है। वो साथ ही कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी के दौरान जीवन में आने वाले चढ़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए।